दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से हमारे साथ हैं रविंदर कौर जी। तो आइए हम जानते हैं रविंदर कौर जी से कि यहाँ पे जो लंगर की व्यवस्था की गई है, इसके साथ साथ और क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो किसानों को और यहाँ पे जो संगत साथ संगत आई हुई है उनको दी जा रही है। नमस्कार रविंदर जी। रविंदर जी का पिछले 26-27 दिन से आप जो है सिंघू बॉर्डर के ऊपर डटी हुई हैं, यहाँ पे सेवा कर रही हैं लोगों की, कि पहले तो इसके बारे में बताएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। ये जो किसानों का संघर्ष 26 तारीख से चला हुआ है और यहाँ पे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो लंगर की सुविधा की हुई है, और ये आप देख सकते हो कि अब उन्होंने ये जो गीजर है जी, गीजरों की भी सेवा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से जी स्टार्ट की है, और कल से ये सबको गीजर भी हर जहाँ जहाँ पे भी किसान रहते हैं वहाँ पे पहुँचाए जाएंगे और गर्म पानी की सुविधा वहाँ पे अच्छे तरीके से दी जाएगी जी। तो ये जो गीजरों की सुविधा करवाई गई है ये भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा ही करवाई गई? हाँ जी, ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ही है, और लंगर भी जो है उनकी तरफ से और पूरी संगत के सहयोग से ही है जी। ये जो यहाँ पे लंगर चल रहा है रविंदर जी, ये सुबह से लेके शाम तक चलता है या पूरी रात चलता रहता है? ये 24 घंटे लंगर चलता है। लंगर में आपने देखा होगा, हमने खीर, कभी मीठे चावल और पकोड़े वगैरह हर चीज़ यहाँ पे तैयार मिलती है। दूध का लंगर लगता है, चाय का लंगर तो 24 घंटे चलता है जी। तो कितने जो है काम करने वाले जो है वो यहाँ पे 24 घंटे रहते हैं, या फिर ड्यूटी चेंज हो रही है कि जो दिन में आता है या फिर रात के लिए कोई और होते हैं? ये सेवादारों की ड्यूटी चेंज होती है। 20 सेवादार 20 से 25 तक तो सुबह आते हैं, 20 से 25 तक दोपहर के बाद आते हैं जी। इनकी ड्यूटी चेंज होती रहती है, और उसके साथ साथ जो यूपी से, हरियाणा से, जहाँ से भी संगत किसान आए हुए हैं वो भी हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली की संगत भी हमारे साथ आके पूरा सहयोग देंगे जी। क्या लगता है मोदी जी इस बिल को मान लेंगे? ये तो उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे इतनी संगत हो, खाली मोदी चाय वाले की तो बात चलेगी नहीं जी। वो तो एक चाय वाला, उसको क्या पता उसका ना घर ना परिवार। ये परिवार वाले सारे बैठे हुए हैं ठंड, इतनी ठंड में बैठे हुए हैं। लेकिन रविंदर जी, आज के टाइम में वही चाय वाला जो है वो देश का प्रधानमंत्री है, इसे भी नकारना जो है वो मुमकिन नहीं है। नहीं, इन्होंने तो अपनी EVM की मशीनें सेट की हुई हैं, इसलिए आया है दोबारा से। ये तो आने के मतलब ही नहीं था, इनको कोई भी पसंद नहीं करता जी, क्योंकि इसने देश को बेच दिया है। अब थोड़ा बहुत जो रहता है वो भी बेचना चाहता है। अभी बंगाल में भी ये कह रहे हैं कि जो है वो BJP आने वाली है, वो भी इसकी गुंडागर्दी है ना, अमित शाह और अपना जो मोदी है जी, इनकी गुंडागर्दी चल रही है। वो तो फिर EVM मशीनें, यहाँ तो बैलेट की, जो बैलेट की वोट होती है, वोट आज ही डलवाएं तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी, पता चल जाएगा वो उसकी क्या मान्यता है, क्योंकि उसको उसका ना परिवार ना वास्ता, उसको क्या पता परिवार क्या होता है जी। ये देखो, इतना परिवार यहाँ पे अपने घर बार छोड़, इतने छोटे बच्चे, कईयों की तो मौत हो चुकी है जी, हैं उनके घर खराब हो चुके हैं। हमें इतना दुख होता है कि यहाँ पे इतने बच्चे भी इतने परेशान हैं जी, इतनी ठंड में, और ये मोदी है जो उसके कान तक जू नहीं रेंगती जी, है बस। हम उसको यही कहना चाहते हैं, अगर ये इतनी बददुआएं लेगा ना तो उसका भला नहीं होगा, और ये इसको इनकी बात माननी ही पड़ेगी, और हम मनवा के ही रहेंगे। ऐसे ही नहीं तो लंगर भी चलते रहेंगे, संगत भी ऐसे आती रहेगी जाती रहेगी जी। तो ये थी हमारे साथ रविंदर कौर जी, जो कि कुछ दिन पहले यहाँ पे किसानों की, कुछ 27 किसानों की जो है वो मौत भी होगी, जिसके ऊपर वो भावुक भी हो गई। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है, देखते रहिए जन उदय न्यूज़। मैं हूँ आशा शर्मा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल जन उदय एंड हिट द बेल आइकन।